वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आ जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ आज की यात्रा में। आज मैं आपको ले चलती हूँ गुजरात राज्य के प्राचीन तीर्थ शामळाजी टेम्पल में। शामळाजी मंदिर जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, जिसको विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। ये मंदिर 1500 साल पहले बनाया ऐसा माना जाता है। शामळाजी टेम्पल अरवली डिस्ट्रिक्ट में है, जो आसपास पहाड़ियों के बीच है, तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही हो जाता है। यहाँ पे आप सुबह या शाम को कभी भी आ सकते हो, पूरे दिन की पिकनिक भी मना सकते हो। मंदिर के आसपास बहुत सारी अच्छी जगह है। मंदिर के बाहर आप देख रहे हो, इतनी अच्छी शिल्प कारीगरी की गई है कि आप देखते ही रह जाओगे। यहाँ पे कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, वो कृष्ण भगवान का कलर श्याम कलर है, इसलिए इसको शामळाजी मंदिर कहते हैं। यहाँ पे विष्णु भगवान मंदिर के साथ श्री महालक्ष्मी जी, श्री गिरधारी लाल जी और श्री त्रिलोकनाथ जी का भी मंदिर है, जिसका दर्शन आप करके धन्य हो जाओगे। यहाँ पे कार्तिक मास की पूनम में मेला होता है, जो बहुत बड़ा मेला माना जाता है, और यहाँ पे लोग उत्साह से इसमें भाग लेते हैं। आप यदि गुजरात से राजस्थान कहीं भी जा रहे हो, तो राजस्थान बॉर्डर पे ही है और रास्ते में ही पड़ता है, तो आप यहाँ पे दर्शन करके जा सकते हो। यदि आप एक बार जाओगे तो आपको बार बार जाने को मन करेगा ही। मित्रों, ये मंदिर ऐसा है कि आप बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो इसमें है कि जो अंदर से कुछ आपको खींच रहा है कि आप अंदर जाओगे ही जाओगे। ये मंदिर में सभी व्यवस्था है। शामळाजी टेम्पल में अंदर भोजनालय की व्यवस्था भी है। यदि आप दूर से जा रहे हो, बाहर होटल का खाना आपको नहीं पसंद है, तो आप वहाँ अंदर खा सकते हो। यहाँ पे रहने के लिए धर्मशाला भी है और जाने के लिए यहाँ से हिम्मत नगर से बस और ऑटो या वान मिल सकती है। देख रहे हो, ये मंदिर का अब आसपास जब बारिश होती है, उसके बाद पहाड़ियों के बीच ये मंदिर है, इसका नज़ारा कुछ अलग ही हो जाता है, अलौकिक अनुभव होता है। यहाँ पे आपको शांति का अनुभव होता है। ये शिल्प कारीगरी आप बार बार देखने को मन करता है। मंदिर के चारों तरफ ये शिल्प कारीगरी की गई है, और जब शाम को 7 बजे के बाद जब ये मंदिर पे आप देख रहे हो, कितनी अच्छी लाइटिंग दिख रही है, ये देख के तो आपकी आंखें देखती ही रह जाएगी। आपको लगेगा कि बस आप यहाँ पे बैठ जाओ, और बैठने के बाद आपको उठने का मन भी नहीं करता है। देख रहे हो, इतना अच्छा सौंदर्य, इतना अच्छा दृश्य आपको कहाँ और देखने को मिलेगा। यदि आपने शामळाजी टेम्पल देखा है और दर्शन किया है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये मंदिर कैसा लगा है। और जो एक भी बार नहीं गए, वो ज़रूर जाना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने मंदिर के टाइमिंग्स भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। नियरेस्ट एयरपोर्ट अहमदाबाद है, जो करीबन 130 किलोमीटर है। यदि आपको और कोई मंदिर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट टाइम हम आपको किसी और यात्रा में ले जाएंगे। यदि मेरे यूट्यूब चैनल पसंद आए हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।